गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टैंडर्ड फोर मैथ्स। आज हम वर्कबुक शुरू करेंगे क्योंकि हमने लास्ट टाइम अपना चैप्टर कंप्लीट किया था। तो वर्कबुक में यूनिट नंबर 2, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो बच्चों, वर्कबुक के पेज नंबर 20 पर आइए आप सब, और वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द लॉन्गेस्ट पट अराउंड द ऑर्डर गिवन बिलो द फिगर। यानी बच्चों, तुम्हें 4 फिगर ड्रॉ करके दी हुई है, उसमें से जो सबसे लॉन्ग फिगर है उसके ऊपर तुम्हें राउंड बनाना है। बच्चों, ऐसे तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हो, तो सबसे जो लॉन्ग है उसके ऊपर तुम्हें राउंड बनाना है। तो तुम्हें अपनी वर्कबुक में दिखता होगा जो कि डी ऑप्शन है, वो सबसे लॉन्ग है। अब बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तुम्हें जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके आंसर देने। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। बच्चों, पहले वो जो पिक्चर्स दिए हैं डॉट वाले, वो तुम्हें दिखनी है, फिर उसके ऊपर से क्वेश्चन। पहला है, विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, हाउ मेनी सेंटीमीटर। बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ऐसे जो डॉट्स दिए ए बी सी डी के रूप में, उसमें ऐसे कौन से डॉट्स हैं जिसके दोनों के बीच में बिल्कुल कम यानी छोटा सा डिस्टेंस हो। तो ऐसे दो डॉट्स कौन से हैं, देखो आप सभी डॉट्स को देखो और दो डॉट्स के बीच में तुम डिसाइड करो कि सबसे कम डिस्टेंस किस में है। तो मुझे डी ई दिख रहा है, जो डी एंड ई ओ डॉट्स है ना, उसके बीच में बिल्कुल कम, सबसे छोटा डिस्टेंस है। और उसमें पूछा है हाउ मेनी सेंटीमीटर, यानी कितने सेंटीमीटर है सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो क्या 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। बच्चों, पहले के दो फिलिंग द ब्लैंक्स में उसमें ये आंसर लिख दो। अब सेकंड, विच टू डॉट्स आर फारेस्ट फ्रॉम ईच अदर फिलिंग द ब्लैंक्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर। यानी अब हमें ऐसे दो डॉट्स देखने हैं जिनके बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो। तो आप देखो, तो मुझे देखो और बताओ कौन से हो गए जिनमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। तो यस, एफ एंड के जो दो कॉर्नर पर है, दोनों का डिस्टेंस कैसा है, दोनों का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। नीचे उसके क्वेश्चन बोला हाउ मेनी सेंटीमीटर, यानी कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। तो आप अपनी स्केल से उसे मेजर करेंगे। मैंने किया लगभग यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी तुम्हें फिगर दी हुई है और उसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डॉट ए एंड बी। यानी जो ये डॉट ए है ना, उससे ये डी तक जो डिस्टेंस है, सॉरी ए एंड बी, यानी यहाँ तक इन सभी पॉइंट में सबसे छोटा सा डिस्टेंस कौन से पॉइंट का है, यानी कौन से डॉट का है। तो हम देख सकते हैं ए एंड एच, फिर आएगा एच एंड जी, फिर जी एंड एफ, एफ एंड ई, एंड ई एंड बी। इन पॉइंट में से हमें लिखना है कि किन में सबसे बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस है। तो कौन से हैं, ये जी एंड एफ, हम देख सकते हैं सबसे कम डिस्टेंस है जी एंड एफ। तो बच्चों, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में ये आंसर आएगा। अब बच्चों, सेकंड,
ऐसी फिगर के ऊपर दो क्वेश्चन है, व्हिच टाउन इज नॉलेज टू डॉट एक्स फिलिंग द ब्लैंक्स एंड व्हिच टाउन द डिस्ट फार्नेस्ट ऑफ टाउन एक्स, यानी कि जो एक्स से सबसे छोटा डिस्टेंस किस पॉइंट का है, ए का, सी का, बी का या डी का, और सेकंड में पूछा है कि सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है। तो पहले में तुम्हें पहली जो फिलिंग का ब्लैंक्स थे उसमें छोटा डिस्टेंस लिखने का, जो सेकंड है उसमें सबसे बड़ा, दो पॉइंट के बीच में सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है। तो पहले के बीच में हम देखते हैं छोटा डिस्टेंस किस में देख रहा है, जो एक्स से ए है ना उसके बीच में छोटा डिस्टेंस है, ओके ए आंसर में ए आएगा। और सेकंड पूछा है कि ये एक्स से जो चार पॉइंट है उसमें से सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, तो आप देख सकते हैं कौन सा है, डी। इसी तरह बच्चों अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21, बच्चों उसके ऊपर तुम्हें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है। इन विच यूनिट विल यू मेजर, यूनिट में मेजर करना है। पहला है लेंथ ऑफ पेन, बच्चों आप सबने पेन तो देखी होगी, ये पेन तो उसमें क्या पूछा है, लेंथ ऑफ पेन, पेन की लेंथ तुम्हें मेजर करनी है, जो आप अपनी स्केल से कर सकते हैं। और फिर तुम्हें यहाँ पर लिखना है, मैंने मेजर की है तो उसकी 13 सेंटीमीटर है। अब सेकंड क्वेश्चन है, योर हाइट, बच्चों यहाँ पर तुम्हें अपनी हाइट सेंटीमीटर में मेजर करनी है, या फिर तुम किलोमीटर के मीटर में भी मेजर कर सकते हो, पर यहाँ पर तुम्हें यूनिट के साथ लिखनी, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि पेन 13 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें इसी तरह यहाँ पर भी लिखना है। अब थर्ड में है लेंथ ऑफ अ गार्डन, तो बच्चों गार्डन की लेंथ मेजर करनी है, तो यहाँ पर जो हमारा गार्डन है उसकी कितनी है, 75 मीटर। इसी तरह बच्चों आगे भी कुछ तुम्हें दिए हुए हैं वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। फोर्थ नंबर का है जो मैं करा दूँ, फोर्थ में है लेंथ ऑफ 500 रुपी। बच्चों यहाँ पर तुम्हें 500 रुपीज की नोट लेनी है और उसकी लेंथ मेजर करनी है, फिर अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आएगा 12 सेंटीमीटर, कितनी लेंथ है 500 नोट की, 12 सेंटीमीटर, फिर भी तुम मेजर करना है। फिर उसके नीचे एक दिया है क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ अ बाइसिकल, आपके पास जो साइकिल है उसकी लेंथ कितनी है। 6 नंबर में डिस्टेंस फॉर अहमदाबाद टू जयपुर, बच्चों वो तुम कोई बड़े से यानी अपने फादर से मदर से पूछ के लिख सकते हैं कि अहमदाबाद एंड जयपुर के बीच में कितना डिस्टेंस है। हाइट ऑफ कुतुब मीनार, बच्चों ये तो हमने सीखा था अपनी टेक्स्ट बुक में, कितना था क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों हमने ये देखा था कि हाइट ऑफ कुतुब मीनार कितना था, 72 मीटर। इसी तरह बच्चों आगे हाइट ऑफ ट्री, हमारे घर के आसपास बहुत सारे ट्री होते हैं, हम कोई भी ट्री की हाइट मेजर करके लिख सकते हैं। फिर लिखा है डिस्टेंस ऑफ बस स्टैंड फ्रॉम होम, तुम्हारे घर से तुम्हारे गांव का या सिटी का बस स्टैंड कितने डिस्टेंस पर है वो लिखना है। फिर लिखा है लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच, जो क्रिकेट की पिच होती है ना उसकी हाइट कितनी है वो लिखनी है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो हमने टेक्स्ट बुक में किया था,
तो पहला मैं तुम्हें समझाती हूँ, बाकी तुम्हें करने। डू द चेंज इन द पिक्चर एज पर इंस्ट्रक्शन बाय ड्रॉइंग देन द स्पेस प्रोवाइडेड इंक्रीज द लेंथ ऑफ हैंड बाय 1 सेंटीमीटर। बच्चों यार तुम्हें एक डॉल ड्रॉ करके दी हुई है, उसके हैंड में तुम्हें इंक्रीज करना है 1 सेंटीमीटर, इंक्रीज करके उसको फिर से ड्रॉ करना है। सेकंड में ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। तुम्हें एक कप ड्रॉ करना है पर वो जो तुम्हें ड्रॉ करके दिया है उससे 1 सेंटीमीटर शॉर्ट। थर्ड में ड्रॉ अ ब्रूम विथ लेंथ हाफ देन दिस ब्रूम, यानी कि जो ब्रूम ड्रॉ करके दिया उससे बिल्कुल आधा ब्रूम तुम्हें साइड में बनाना है। फिर फोर्थ ड्रॉ अ पेंसिल 3 सेंटीमीटर शॉर्ट देन दिस पेंसिल। पहले जो ये ड्रॉ करके पेंसिल दी है उसे तुम मेजर करना कितने सेंटीमीटर है, फिर उससे 3 सेंटीमीटर कम यानी कि छोटी पेंसिल बनानी है। अब नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर 22। ड्रो अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ, जो ये हेयर है एक ड्रॉ करके दिया है उससे डबल डबल हेयर यानी कि उससे बड़ा तुम्हें ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 6, डू एज डायरेक्ट, यानी हमें देखकर उसका आंसर देखना है। मेजर द बाउंड्री यूजिंग द थ्रेड एंड लाइन। बच्चों जो तुम्हें एक ड्रॉ करके दिया हुआ है उसकी बाउंड्री तुम्हें मेजर करनी है और जो नीचे फिलिंग का ब्लैंक ड्रॉ करके तुम्हें दी उसमें तुम्हें आंसर लिखना है। मेजर एंड लाइन द लेंथ ऑफ लाइन, बच्चों ये दो लाइन तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई ए एंड बी उसे तुम स्केल से मेजर करनी है और फिर लिखना है। जैसे कि ये फॉर्म में है बच्चों, ये सभी तुम्हें मीटर में दिए हुए तुम्हें सेंटीमीटर में लिखना है। तो हमने देखा था कि 1 मीटर बराबर यानी 1 मीटर इक्वल टू 100
सेंटीमीटर। तो देखो उसके हिसाब से पहला क्या होगा, 6 मीटर में दिया होगा तो क्या होगा 600 सेंटीमीटर। इसी तरह सेकंड 73 मीटर, तो आप सोचो क्या होगा 7300 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट ये भी तुम्हें सॉल्व करके लिखने हैं, थ्री एंड फोर। बच्चों अब नेक्स्ट कन्वर्ट इनटू मीटर, यानी सेंटीमीटर में दिए हुए और हमें मीटर में कन्वर्ट करने हैं। तो पहला मैं तुम्हें बताती हूँ, बच्चों यहाँ पर 900 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उससे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, इसी तरह तो यहाँ पर क्या होगा 900 सेंटीमीटर को मीटर में 9 मीटर दिखा देगा। इसी तरह 3, 4 एंड 5 कंप्लीट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल। एक तुम्हें टेबल भी बना के दिया हो जिसे कंप्लीट करना है, तो चलो हम वो करते। बच्चों देखो जो टेबल दिया उसमें एक कॉलम मीटर में है और दूसरी सेंटीमीटर में। तो देखो यहाँ 100 सेंटीमीटर है तो हमें इसे मीटर में लिखना है, तो कितना होगा 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब इसी तरह ये 3 जो दिया हुआ है वो मीटर में दिया है और यहाँ सेंटीमीटर की कॉलम है तो हमें सेंटीमीटर में लिखना होगा, तो 300 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ 500 सेंटीमीटर दिए हुए और हमें यहाँ मीटर की कॉलम में लिखना है तो मीटर में क्या होगा 5 मीटर। अब इसी तरह मीटर में 50 दिए हुए है और हमें सेंटीमीटर में लिखना है तो क्या होगा 5000 होगा। बच्चों इसी तरह एक सेकंड एंड थर्ड कॉलम दो दी हुई है वो तुम्हें कंप्लीट करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिलिंग द एम्प्टी स्पेस इन द टेबल एंड राइट एंड द आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर तुम्हें पहला टेबल दिया हुआ है वो तुम्हें फिलअप करना है, फिर उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए वो। तो बच्चों पहली कॉलम में है नेम ऑफ द प्लांट, कुछ प्लांट के नेम दिए हुए हैं। उसके साइड में लिखा है हाइट ऑफ लास्ट मंथ, लास्ट मंथ जो इस पेड़ की हाइट थी वो है, और उसके साइड में लिखा है हाइट ऑफ दिस मंथ, ये मंथ जो उनकी हाइट। इसी तरह जैसे कि हमने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा था तुम्हारी हाइट लास्ट ईयर की और इस साल में जो हाइट है उसका डिफरेंस दिया था, इसी तरह तुम्हें ये दो कॉलम में जो लास्ट मंथ पेड़ की जो हाइट थी वो और अभी जो हाइट है उसके बीच का डिफरेंस लिखना है। तो पहला मैं तुम्हें बता दी हूँ, बाकी तुम करो। बच्चों पहला तुलसी का पेड़ है तो उसके लास्ट मंथ उसकी हाइट कितनी थी 5 सेंटीमीटर और अभी 7 सेंटीमीटर, और तो इन दोनों में उसकी हाइट कितनी बड़ी कितनी ज़्यादा हुई तो उसका डिफरेंस हमें अपने टेक्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर डिफरेंट हुआ। इसी तरह बच्चों उसके बाद नेक्स्ट नीम का पेड़ है, उसकी हाइट अब पहले 10 सेंटीमीटर थी और अब 14 सेंटीमीटर है, तो उसमें कितना डिफरेंट हुआ बच्चों हम देख सकते हो कि 10 से 14 तक तो कितना डिफरेंट हुआ है, उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हुई है। इसी तरह बच्चों जो पेड़ की हाइट में जो डिफरेंट है वो तुम्हें लास्ट कॉलम में लिखना है। बच्चों नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा है उसके बाद ए, हाइट ऑफ व्हिच प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, यानी यहाँ पर जो 5 पेड़ हमें दिए उनमें से सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे बड़ा कौन है, कौन सा पेड़ है बच्चों आप देख के बता सकते हो।
से बड़ा है। तो बच्चों यहाँ बम्बू का जो पेड़ है वो सबसे बड़ा है। और उसके बाद पूछा हाउ मच, यानी कितना बड़ा है। तो बच्चों जब तुम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल के साइड में जब बॉक्स में लिखो तो जब जो आंसर आएगा वो तुम्हें उसकी सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है। बच्चों इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, हाइट ऑफ व्हिच प्लांट इंक्रीज द लीव्स, यानी सबसे छोटा जो पेड़ है उसका नाम लिखना है और हाउ मच कितना छोटा है वो। फिर हाउ मच मोर हैज बम्बू ग्रोथ द मैंगो ट्री। बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन है कि मैंगो ट्री से बम्बू का जो पेड़ है कितना बड़ा है, यानी मैंगो ट्री उससे कितना छोटा है ये लिखना है। इसी तरह बच्चों दो क्वेश्चन और हैं वो तुम्हें कंप्लीट करने। अब पेज नंबर 24 नेक्स्ट। फाइंड द डिस्टेंस, बच्चों यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, यानी ये जो रास्ता दिखाया है वो होम से स्कूल तक का है, घर से स्कूल तक का। तो हमें पहले तो ये लिखना है कि बच्चों जो स्कूल से घर का डिस्टेंस जो है वो तुम्हें लिखना है। वो हमने अपनी टेक्स्ट बुक में किया था, सभी टोटल दिया था कि जितने रास्ते में जितने किलोमीटर होते वो सबका जो। तो पहले होम से बीच में टेम्पल आता है, फिर मार्केट, फिर बस स्टैंड एंड स्कूल। तो इन जब सभी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या करेंगे, टोटल करके लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्या है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ होम टू स्कूल। तो बच्चों पहले हमारे घर के रास्ते में एक टेम्पल आता है, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद 3 किलोमीटर मार्केट, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर बस स्टॉप, फिर स्कूल के लिए 6 किलोमीटर। तो बच्चे ये सब टोटल करके तुम्हें जो आंसर आता है वो लिखना है, तब हमारे स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगी, यानी 22 किलोमीटर डिस्टेंस है। इसी तरह बच्चों एक सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट टू स्कूल। अब क्या पूछा है कि मार्केट से स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो जो हमने किया इसी तरह करना है, ये तो हमने टोटल ले लिया। अब सेकंड में क्या आएगा कि हम देखते हैं, चलो मार्केट से स्कूल, तो मार्केट के बाद क्या आता है, बस स्टैंड, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर। फिर बस स्टैंड से स्कूल, यानी उसके बीच में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो कितना होगा बच्चों, 40 किलोमीटर डिस्टेंस है मार्केट एंड स्कूल के बीच में। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ टेम्पल टू बस स्टैंड। अब हमें टेम्पल से लेके बस स्टैंड तक का डिस्टेंस ढूंढना है। अब उसके बाद है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम टेम्पल टू स्कूल एंड टोटल डिस्टेंस फ्रॉम बस स्टैंड टू स्कूल। बच्चों जो हमने पहले डिस्टेंस, हमने जो टेम्पल से स्कूल तक का जो डिस्टेंस फाइंड किया था उसके बीच में और बस स्टैंड से स्कूल का जो डिस्टेंस है उसके उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंट है वो हमें ढूंढ के लिखना है। अब बच्चों उसके बाद नेक्स्ट है एडिटिंग है, एड करना है, वो तो तुम सब सीख गए हो, मैं एक बता देती हूँ बाकी तुम्हें करना है। बच्चों ऐसे एडिटिंग तुम्हें दिए हुए हैं वो तो तुम आगे कर गए होगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या करना चाहिए, तो बच्चों इसी तरह सभी एडिटिंग जो दिए हुए हैं वो तुम्हें कंप्लीट कर लें। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25, उसके बाद इसी तरह सक्सेस दिए हुए हैं। तो पहला है 74 सेंटीमीटर सक्सेस को 40 सेंटीमीटर, तो क्या होगा देखो, 34 सेंटीमीटर। बच्चों इसी तरह ये तुम्हें सब्सट्रैक्ट भी कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। बच्चों ये सभी क्वेश्चन जो नीचे दिए हुए ऐसे ही सभी क्वेश्चन हमने अपनी टेक्स्ट बुक में किए थे, फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ।
मनीष इज 150 सेंटीमीटर टॉल, हिज सिस्टर इज 117 सेंटीमीटर टॉल, हु इज टेलर फ्रॉम बोथ। ये पूछा है कि मनीष की हाइट है 150 सेंटीमीटर है और इसकी जो सिस्टर है वो 117 सेंटीमीटर है, तो बच्चों उसमें से दोनों में से टॉल यानी बड़ा कौन होगा? तो ये तो हम देख के बता सकते हैं कौन होगा, मनीष होगा। और क्या पूछा, हाउ मच यानी कितनी उसकी हाइट उसकी सिस्टर से कितनी ज़्यादा होगी, तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों के हाइट के बीच में डिफरेंस ढूंढना है। मनीष की हाइट थी 150 सेंटीमीटर और उसकी सिस्टर थी 117 सेंटीमीटर, तो बच्चों इन दोनों के बीच में जितना दोनों के बीच में जितना डिफरेंट होगा उसका भाई क्या होगा, इतने हाइट में बड़ा होगा उसका। बच्चों इसी तरह सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सुदेश इज 1 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर टॉल, मीना इज 15 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हिम, व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ बोथ इन देम। यानी कि सुरेश जो है वो 1 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर उससे बड़ा है और उसकी जो सिस्टर है वो उससे 15 सेंटीमीटर छोटी है, तो बच्चों पहले तो हमें क्या करना होगा, उसकी सिस्टर की हाइट देखनी होगी कि उसके भाई से 15 सेंटीमीटर छोटी है तो कितनी होगी, और फिर क्या पूछा है कि इन दोनों की हाइट को मिला दो तो कितना होगा, तो फिर एडिटिंग करना होगा। बच्चों इसी तरह तुम्हें ये तीन क्वेश्चन पूरे करने हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 26, बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारी टेक्स्ट बुक में था ऐसा ही है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग जंप फ्रॉम चिल्ड्रन आर एज बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस। बच्चों ये एक लॉन्ग जंप का है और वो भी हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसा ही था। पिंटूज लॉन्ग जंप इज द लॉन्गेस्ट 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, राजू इज एट सेकंड पोजिशन, हिज जंप इज 30 सेंटीमीटर लेस देन पिंटूज, गुड्डू इज एट थर्ड पोजिशन, हिज जंप इज 10 सेंटीमीटर लेस देन राजू। बच्चों यहाँ पर तीन बॉयज है, पहला पिंटू है जो लॉन्ग जंप में फर्स्ट नंबर पर है, उसने 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर जंप लगाया। उसके बाद राजू है जो सेकंड पोजिशन पर है, जिसने पिंटू से 30 सेंटीमीटर कम जंप लगाया था, और लास्ट में गुड्डू है जिसने राजू से 10 सेंटीमीटर कम जंप लगाया था। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग इज राजू जंप, तो हमें पहला राजू का जंप, राजू ने कितना जंप लगाया था वो फाइंड करके लिखना है। तो बच्चों ये मैंने तुम्हें टेक्स्ट बुक में सिखा दिया था, इसी तरह तुम्हें करना है। सेकंड में हाउ लॉन्ग इज गुड्डू जंप, गुड्डू का तुम्हें जंप ढूंढना है। थर्ड हाउ लॉन्ग इज अ पिंटू जंप देन गुड्डूज जंप, पिंटू के जंप और गुड्डू के जंप में कितना डिफरेंट है वो तुम्हें बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राजू जंप एंड पिंटू जंप, और लास्ट में राजू एंड पिंटू के जंप के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, ये जो पिक्चर्स दिया हुआ है उसे देखना है और उसके ऊपर से तुम्हें आंसर लिखने हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, हाउ फेयर इज जीनस फ्रॉम पायल, यानी कि झीनल से पायल कितने सेंटीमीटर दूर है। तो बच्चों पहली फिगर का लेंस पे हम देख सकते हैं झीनल और पायल जो दो गर्ल हैं उनके डिस्टेंस लिख के दिया हुआ है, कितना है दोनों के बीच में डिफरेंस 3 मीटर। इसी तरह सेकंड है, हाउ फेयर इहेयर इज जाइंट झीनल फ्रॉम मीनल एंड बीनल, मीनल एंड बीनल दो गर्ल्स जो सबसे लास्ट में है उनके बीच में और झीनल के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो बच्चों सेकंड में क्या आएगा, 6 मीटर। अब लास्ट, हाउ फेयर इज द मीनल एंड बीनल फ्रॉम फिनिशिंग लाइन, बच्चों मीनल एंड बीनल जो है वो फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है वो तुम्हें लिखना है। अब बच्चों उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिटेल्स ऑफ द लेंथ ऑफ स्टडी ट्रक ट्रैक ऑफ राउंड टू रन फॉर कंप्लीटिंग 40 किलोमीटर मैराथन रेस आर गिवन बिलो ऑन इट इज बेसिक फिल द एम्प्टी स्पेस इन द टेबल। बच्चों इस टेबल में तुम्हें जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी उसे कंप्लीट करनी है। बच्चों ये मैराथन एक रेस है जिसमें 40 किलोमीटर का राउंड लगाना है। तो बच्चों हमें पहला दिया हुआ है 4000 और सेकंड में जो फिलिंग द ब्लैंक्स है
काउंट कर मीटर, तो 40 किलोमीटर कितना होगा 40,000। तो बच्चों हमें क्या करना है, ये दोनों का आंसर मिला के 40 होना चाहिए, सभी कॉलम इसी तरह फिलअप करने हैं कि सभी को मिला के हमें 40,000 मिलना चाहिए, यानी 40 किलोमीटर। तो ये पहला हम देख सकते हैं कि 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या होगा 100 144 हो गया बच्चे। इसी तरह तुम्हें सभी जो फिलिंग द ब्लैंक्स आगे दी हुई है वो कंप्लीट करनी है बच्चों। आज हम यहाँ तक रखते हैं, अब नेक्स्ट टाइम पेज नंबर 27 से आगे लेंगे। थैंक यू बच्चों।